इंडिया की नंबर वन इलेक्ट्रिक कार कंपनी कौन सी? वो है टाटा मोटर, जिसकी नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी और टिगोर ईवी मार्केट में नंबर वन चलती है। लेकिन इसके बाद बात करें, सेकंड पोजीशन महिंद्रा की है, थर्ड पोजीशन एमजी जैसी कंपनी की आती है। और क्या ये बात आप लोगों को मालूम है कि महिंद्रा जितनी गाड़ी अभी तक बेचता है इलेक्ट्रिक में, उससे 8 गुना गाड़ियां टाटा यहाँ पर बेचता है। क्योंकि यहाँ पर मैं ना दूसरी किसी कंपनी को गिन ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में हुंडई भी है, किया भी, और भी काफी सारी कंपनीज की इलेक्ट्रिक कार्स आती है, लेकिन उन सबकी मार्केट में प्रेजेंस ना के बराबर है। और वहीं देखा जाए तो जो टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स है, वो मार्केट में सड़कों पे और भी ज्यादा तेज से पॉपुलर हो रही है। और अब तो हाल ही में उन्होंने नेक्सॉन ईवी का 2023 मॉडल जब से निकाला है, तब वो उसकी सेकंड जनरेशन यहाँ पर आ गया। लेकिन एक सवाल आप लोगों के दिमाग में कभी आता है कि आखिर इलेक्ट्रिक कार्स को लेता कौन है? मतलब कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इसके तो चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और पेट्रोल और डीजल कार के कंपेरिजन में कई बार 20-30% ज्यादा प्राइस पे करना पड़ जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए। तो सबसे पहला रीजन है कि इलेक्ट्रिक कार को लेने का, कि पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक कार को चलाना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, और इसीलिए काफी सारे लोग इलेक्ट्रिक कार्स को यूज करते हैं। और वही बात करें चार्जिंग का, क्या जबकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है, तो देखा जाए तो अभी जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं, वो घूम फिर के अपने घर में ही चार्ज करते हैं, अपने घर की पार्किंग के अंदर भी। इवन गीकी रंजीत सर के पास भी यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ईवी है, जो कि वो घर में ही यहाँ पे चार्ज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बजाय कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का यूज करने के लिए। और इससे समझ में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक कार से वो इंडिया में अभी इस तरीके से यूज हो रही है कि शहर के अंदर आप लोगों से चला लेंगे और घूम फिर के आखिर में घर पे वापस आएंगे और वहां पे आप उसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आज भी एक रोड ट्रिप करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। इवन अगर आप लोगों को एक टाटा की बात बताऊं, तो टाटा ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक कार निकाली थी वो थी नेक्सॉन ईवी, उसके बाद जो अगली इलेक्ट्रिक कार निकाली थी वो थी टाटा की टिगोर। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि जब टाटा ने टिगोर निकाली तो मार्केट में चली नहीं, वो एक सेडान कार थी और उसे लोगों ने इतना ज्यादा प्रेफर करे नहीं, ना तो उसमें इतनी ज्यादा रेंज मिल रही थी, और जो नेक्सॉन थी उसके ऊपर लोग तब भी ज्यादा जा रहे थे। तो और उसके बाद टाटा को समझ में आया कि उन्हें और कम प्राइस के अंदर एक इलेक्ट्रिक कार निकालनी पड़ेगी, इसलिए वो अपने टियागो को यहाँ पर लेकर आ गए, जो उनकी सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है, 10 लाख रुपए से कम के अंदर भी मिल जाती है, और इसीलिए वो कार आज के समय मार्केट में नंबर वन है। और किसी को अगर प्रॉपर एसयूवी का एक्सपीरियंस चाहिए, वो लोग टाटा की नेक्सॉन ले लेते हैं। लेकिन बात बताओ कि टाटा जैसी कंपनी ने इतनी जल्दी यहाँ पे कार्स कैसे बना ली, जबकि बाकी कंपनी महिंद्रा की बात करें तो वो इतने टाइम के बाद अपनी सिर्फ एक ही कार ला पाए, जो कि एक्सयूवी 400, और बाकी कोई भी कंपनी यहाँ पे टाटा की टक्कर में नहीं आ पाई। उन्होंने सिंपल सा काम ये किया था कि उनकी जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल व्हीकल्स थे ना, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे किट्स डिजाइन करी थी, जिसका यूज करके वो लोग यहाँ पे उसे इलेक्ट्रिक बना पा रहे थे। यानी कि पेट्रोल टैंक हटा के बैटरी डाल दो और इंजन हटा के मोटर डाल दो, यानी कि बेसिकली जुगाड़ वाला काम था, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग पेट्रोल गाड़ी को ही लेके उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर कन्वर्ट किया था। और ये स्ट्रेटजी उनकी इतनी अच्छी चली कि आगे चल के महिंद्रा ने भी अपनी एक्सयूवी के साथ यही सिमिलर चीजें ट्राई करी। लेकिन टाटा को पता चल गया था कि कंपटीशन ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, इसलिए वो अपनी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन पे काम कर रहे थे। और अभी जो टाटा की जो नेक्सॉन ईवी आई है ना, वो उनकी सेकंड जनरेशन पर है, और उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि टाटा ने पहले अपनी इलेक्ट्रिक कार को बनाया होगा और उसके बाद सोचा कि इस कार को हम पेट्रोल और डीजल के अंदर भी निकालते हैं। यानी कि अब जो गाड़ियां यहाँ पे जो बना रहा है टाटा, वो इस तरीके से सोच के बना रहा है कि इस गाड़ी को हम यहाँ पे पेट्रोल के अंदर भी निकाल सकते हैं, प्लस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी निकाल सकते हैं। बैटरी पैक के अंदर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे, वही 40 kWh और 30 kWh के बैटरी पैक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन सिमिलर बैटरी पैक होने से कारण भी इन्होंने यहाँ पे रेंज यहाँ पर ज्यादा निकाल दी है, क्योंकि लाइट वेट कर दिया है और एरोडायनामिक्स थोड़े अच्छे कर दिए, ताकि यहाँ पे उस गाड़ी से और ज्यादा एफिशिएंसी निकाली जा सके। इवन कुछ फीचर्स वगैरह को भी यहाँ पर निकाला है, जैसे कि बात करें कि आप अपनी इलेक्ट्रिक कार से किसी दूसरे इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना चाहे तो वो पॉसिबल है, यहाँ तक कि व्हीकल टू लोड भी निकाले। मान लीजिए आपकी घर की लाइट चली गई, तो आप अपनी कार से अपनी घर की लाइट पंखों को यहाँ पे चला सकते हैं। यार ये ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें थोड़े महंगी कारों के अंदर देखने को मिले थे, और इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा एडवांसमेंट लेकर आ रहा है टाटा यहाँ पर। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, टाटा अकेला यहाँ पे प्लेयर नहीं है। जैसे कि महिंद्रा की बात करें, उसने अपनी एक्सयूवी निकाली थी, वो मार्केट में पॉपुलर हो रही है। लेकिन अभी हाल ही में जब वर्ल्ड ईवी डे था, तो उन्होंने यहाँ पे टीजर निकाल दिया अपनी कुछ इलेक्ट्रिक कार्स का, जो उनकी बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स है, और इलेक्ट्रिक कार्स की ऑलरेडी टेस्टिंग चालू है। यानी उनका मेन मोटिव यहाँ पर है कि अब हम ऑल इलेक्ट्रिक कार्स को भी मार्केट के अंदर लाने वाले, यानी कि पेट्रोल डीजल कार तो बेचते रहेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ऑल इलेक्ट्रिक कार की पूरी एक लाइनअप भी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और हो सकता है कि शायद ये लोग फ्यूचर में टाटा को यहाँ पर बीट कर दे। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को यहाँ पे, कि टाटा से जब पूछा गया था कि जब थर्ड जनरेशन होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो कब तक देखने को मिलेगी, तो उन्होंने कहा था अभी इसमें टाइम लगेगा।
क्योंकि अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर वो ज्यादा रेंज की ज्यादा बड़ी गाड़ी इलेक्ट्रिक में बनाने जाएंगे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतनी ज्यादा कीमत पे इंडिया में अभी बेचा नहीं जा सकता। वो लोग वेट करेंगे जब तक जो बैटरी सेल है वो इंडिया में बनने ना लगे, और जब वो इंडिया में बनने लगेंगे तब जाके लोग अपनी थर्ड जनरेशन होगी। आने वाले समय में ये लोग अपनी पंच ईवी और यहाँ पे हैरियर ईवी को भी निकालने का प्लान है, और हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट व्हीकल है कर्व वो भी यहाँ पर देखने को मिले। और ऐसे महिंद्रा ने भी बहुत सारे कंसेप्ट व्हीकल को यहाँ पे शोकेस किया था, और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड व्हीकल है उनकी थार ईवी, जो कि देखने वाली बात है कि आपको कब देखने को मिलती है मार्केट में। लेकिन वही बात करें दूसरी कंपनीज का क्या, देखो एमजी की यहाँ पे एमजी कॉमेट देखने को मिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी कार थी, लेकिन इतनी छोटी कार यहाँ पे लोग को शायद इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए उसकी जो यूनिट्स यहाँ पे सेल हो रही है ना ऑलमोस्ट 1000 यूनिट पर मंथ यहाँ पे बेच रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि फ्यूचर में एमजी जैसी कंपनी यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि इंडियन मार्केट के बारे में बात ये कि यहाँ पे इंडिया में आपको इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आपको महंगी से महंगी भी मिल जाएगी किया कि आपको EV6 मिल जाएगी 60-70 लाख की, और आपको बजट की कार भी मिल जाएगी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूं इंडिया में टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन कितने हैं, जुलाई के महीने में बात करें तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन थे 9113, जिनके अंदर 15,493 चार्जिंग पॉइंट थे। अब ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की बात करो और ये नंबर पैन इंडिया के हिसाब से बहुत कम है, और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है कि कुछ चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे काम करते हैं कुछ काम नहीं करते, और जहां पे जो कंपनीज कहती है कि यहाँ पे हम आपको डीसी फास्ट चार्जिंग देंगे यानी कि 10% से लेके 80% आपका एक घंटे में हो जाएगा, ऐसे फास्ट चार्जर्स तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब कि चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे कम है और उसके अंदर फास्ट चार्जिंग तो और भी ज्यादा कम है, और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पे लोगों को एक इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे लेने से रोकता है, और इसीलिए आज भी पेट्रोल और डीजल कार की सेल्स बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक कार के साथ, वो है उनके बैटरी पैक को। यानी कि आज भी लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे अगर बैटरी पैक को बदलवाना जाएंगे ना तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर यह कि अभी भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली में वारंटी पीरियड में अपने बैटरी पैक को बदलवाया हो, और बैटरी पैक को बदलवाया है उसके बावजूद उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस टाइप के बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि मैंने भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर से बात करी थी और उन्होंने अपने काफी पुराने व्हीकल्स के बैटरी पैक को बनाना बंद कर दिया है, लेकिन नए बैटरी पैक को इस तरीके से बना रहे कि वो फ्यूचर के सभी व्हीकल के साथ कंपैटिबल हो। तो यार ये भी अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि 8 साल बाद 10 साल बाद बैटरी डिग्रेडेशन कितना होगा, और बैटरी पैक के रिप्लेसमेंट की एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि बैटरी रिप्लेसमेंट हो ही ना और आप अपनी गाड़ी को एक्सचेंज देके नई गाड़ी ले रहे हो। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पे मार्केट में बदल सकती है आने वाले समय में? देखो अभी प्रॉब्लम पता है क्या, कि अभी यहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्लेयर है जैसे टाटा हो गई महिंद्रा हो गई, ये पेट्रोल और डीजल बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक डिवीजन को यहाँ पे शुरू कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पर बना सके, और इसके कुछ यहाँ पे इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिले। कुछ लोगों कहना है कि चार्जिंग अच्छी नहीं है, कुछ लोगों कहना है कि सर्विस आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल के कंपैरिजन में काफी अलग होती है, उसको अलग टाइप की सर्विस चाहिए, उसके लिए एक्सपर्टीज अलग चाहिए, और उस टाइप का टैलेंट अभी कम है। और डेफिनेटली अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे खराब हो जाती है तो आप किसी लोकल गैराज में उसे फिक्स भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा नहीं है और इसे अभी इवॉल्व होने में कुछ साल लग जाएंगे, तब जाके चीज स्टेबल हो पाएगी और उसको रिपेयर करना आफ्टर सर्विस काफी ज्यादा चीजें आने वाले समय में इम्प्रूव होंगी। लेकिन यहाँ पे वही सिचुएशन आती है कि एक जमाने में यहाँ पे ऐसी ही प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के साथ। एक टाइम यह था कि बजाज ने अपनी चेतक की ईवी निकाल दी थी और यहाँ पे टीवीएस ने अपनी आईक्यूब निकाली थी शुरुआत, लेकिन वहां पे बताऊं प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर निकाली थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाला मार्केट था वो पॉपुलर नहीं था। और उसके बाद जब ओला और एथर जैसी कंपनीज मार्केट के अंदर आती है ना तो मार्केट एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और जो लोग है वो ज्यादा से ज्यादा ईवीज यहाँ पे लेने लगते हैं, और उस चक्कर में बजाज को भी और टीवीएस को भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और इम्प्रूव करना पड़ता है, पहले से ज्यादा बेटर बनाना पड़ता है, और यही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मार्केट में हो रहा है। और ऐसे एक रिवोल्यूशन यहाँ पे शायद वेट कर रहे हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर के मार्केट में। सुना है कि टेस्ला जैसी कार इंडिया में आने वाली है, टेस्ला भी ऑफिस स्पेस पुणे में देख रही है, इंडिया में अपनी गीगा फैक्ट्री लगाने का प्लान आउट कर रही है, और इंडिया के लिए अफोर्डेबल 20 लाख में भी टेस्ला अपनी कार बना रही है। क्योंकि अगर टेस्ला या कोई भी बड़ा प्लेयर जो ऑल इलेक्ट्रिक होता है अगर वो गेम में आता है ना तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना बाकी कंपनीज पर भी पड़ता है। जब टेस्ला यूएसए में आई थी तो वो अपने सुपर चार्जर्स को लेकर आई और वो टेस्ला की गाड़ियों को तो चार्ज करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है
कि टेस्लास के सुपर चार्जर्स होंगे ना वो दूसरी कार्स के साथ भी कंपेटेबल होंगे, जैसे फोर्ड या होंडा के साथ उन्होंने भी उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर भी आना बाकी है। एक अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर आ जाता जो सिर्फ इलेक्ट्रिक में काम करे, इलेक्ट्रिक कार्स को बनाए, इलेक्ट्रिक के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार के अंदर अभी भी यहाँ पे रिवोल्यूशन आ सकता है। लेकिन देख के काफी अच्छी बात लगती है मेरे को कि इंडिया के अंदर जब इलेक्ट्रिक कार्स का धीरे धीरे जमाना आएगा तो उसके अंदर जो इंडियन प्लेयर्स हैं जैसे टाटा हो गए, महिंद्रा हो गई, दोनों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है फ्यूचर में इनके जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो मार्केट में कितनी तेजी से पॉपुलर होते हैं और जो असली इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे आपको कब देखने को मिलता है, क्योंकि टू व्हीलर के अंदर तो ये चीज आ चुकी है लेकिन फोर व्हीलर में मेरे को लगता है कि बस ये चीज बिल्कुल आने वाली है और जैसी आएगी ना उसके बाद आप देखना काफी मजा आएगा। बाय द वे, कभी आप लोगों ने एक इलेक्ट्रिक कार को देखा एक्सपीरियंस किया, अपना जो भी ओपिनियन है एक्सपीरियंस से नीचे शेयर करना मत भूलना कमेंट्स में। थैंक यू कमेंट देखने के लिए। मैं आप सब दो नेक्स्ट पर, गुड बाय।